हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत खास होने वाला है और बहुत सिंपल में और बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो जो है आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली फाइनेंस का टॉपिक है या अकाउंट्स का टॉपिक भी बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल में और अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको पता ही है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, जब बाइंग सेलिंग करता है, ट्रेड होता है, तब काम में आता है। जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल ट्रेड में ही काम आए, ये डोमेस्टिक ट्रेड में भी काम आता है विद इन द कंट्री। तो जानते हैं क्या होता है ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग पहले सिंपल में एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। यहाँ पर क्या है, बायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर बायर सेलर बी है। अब क्या हुआ, ये सेलर को जो है गुड्स बेचना है बायर को, ठीक है, ठीक है। बायर गुड्स खरीद रहा है बट ये उसको बोलता है सेलर को कि मैं गुड्स तो खरीद लूंगा बट मेरे पास मेरा जो पैसा है वो मार्केट में अटका हुआ है और मेरे पास मुझे जो है फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे कुछ ट्रेड पीरियड दो या फिर कुछ ऐसे दो कि जिससे मैं बाद में पेमेंट कर सकूं। तो ये सेलर जो है बोलता है ठीक है, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूँ। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक जो है लेटर टाइप होता है जो जिसमें जो है सेलर का नाम, बायर का नाम होगा और उसमें जो है सारी डिटेल्स देनी होगी, क्या गुड्स दिया, क्या और कितना पेमेंट देना है और कितना मनी उसको सेलर को जो है सेलर को मिलने वाला है और बायर कितना पे करेगा, वो सब होगा और दोनों की सिग्नेचर होगी। तो यहाँ पे जो है ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें सब डिटेल्स होगी कि इतना अमाउंट, ये सम ऑफ मनी जो है मिस्टर बायर को, मिस्टर जो बायर है ये एक्स को इतना पे करना है और ये बेसिकली जो है अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो इसमें जो बायर होता है वो बेसिकली डेटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो कस्टमर्स है, वो खरीद रहा है सामान और उसको ड्रॉय भी बोल सकते हैं और उसको एक्सेप्टेंस, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो एक्सेप्ट जब वो बायर सेलर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो ये एक्सेप्ट करेगा और ये पेयर भी कहा जाता है। और सेकेंड थिंग में ये जो सेलर है, सेलर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो सेलर को हम ड्रॉअर बोलते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉय बोलते हैं, फिर उसको मेकर भी बोल सकते हैं और ये इसको जो है पे भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको अमाउंट मिलने वाला है। तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें बेसिकली इतना ही है, अगर कोई दो पर्सन बायर और सेलर ट्रेड कर रहे हैं और उसके पास कुछ क्रेडिट पीरियड के लिए पैसा नहीं है अभी बट उसको टाइम चाहिए तो उसके लिए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बनाया जाता है। अब इसमें हम पार्टीज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और ड्रॉवी और एंडोर्सी। ड्रॉवी तो आप समझ गए हो और एंडोर्सी मतलब क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन लाइक ये समझो ये सेलर भी है, सेलर है, ठीक है, ये बोल रहा है बायर को कि अपना आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तू जो बिल का जो पेमेंट है ये बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी थर्ड पर्सन को, मिस्टर सी को, कोई एक मिस्टर ए, मिस्टर सी, किसी को भी जो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ये ट्रांसफर कर देगा तो वो एंडोर्सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अब बात करते हैं इसमें डेफिनेशन की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिफाइंड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो समझते हैं क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। फर्स्ट थिंग, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ओरल नहीं हो सकता है, वो रिटर्न ही होगा और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। यहाँ पे सेलर जो है बायर को ऑर्डर दे रहा है कि इतना अमाउंट मुझे इतने टाइम में पे करेगा। साइन बाय द मेकर, जो साइन बाय द मेकर मतलब जो सेलर है वो साइन करेगा, एंड डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये बोला है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें सर्टन मनी वो पे करेगा और
या फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये था बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। आई होप आप सभी को जो है समझा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। अगर इसमें कुछ और भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से लोगों में शेयर करना। थैंक यू सो मच, आप सभी ने देखे वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।